हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो हियर आई एम आफ्टर वेरी लॉन्ग एंड आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ हॉस्टल से। एज यू ऑल नो, अगर आपने मेरा प्रीवियस शॉर्ट व्लॉग या मिनी व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था आई एम हॉस्टलर नाउ। अब मैं हॉस्टल में ही रहती हूँ तो मैं आज यहीं से शूट कर रही हूँ। एंड आज हम जाने वाले हैं कहीं घूमने अपने हॉस्टल वाली दोस्तों के साथ। सो मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी फ्रेंड से। हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। मेरे साथ है मेरी फ्रेंड, से हाय। ये मेरे हॉस्टल में दोस्त बने, शी इज नेहा, और ये मेरी क्लासमेट भी। तो आज हमने डिसाइड करा है हम कहीं घूमने जाएंगे, और अभी हम जस्ट निकलने वाले हैं हॉस्टल से। और यहाँ पे नेहा जी बॉटल में पानी भरते हुए हो गया। चले मैं आपको हॉस्टल भी दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। हमारा हॉस्टल और नेहा और वो है साक्षी का हॉस्टल। हम लोग अभी साक्षी का वेट कर रहे हैं, जब साक्षी आएगी फिर तीनों यहाँ से निकलेगी। ना विद्युत मैम, हाँ विद्युत मैम, आपको मिलवा दी साक्षी से। साक्षी बाहर ही नहीं आ रही थी तो हम इसे लेने यहीं पहुँच चुके हैं, और इसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था रेडी होने में, है ना साक्षी। अब मैं मेरा रूम तो दिखा नहीं, दिखाऊंगी फिर कभी। दिस इज माई लुक फॉर टूडे, बट इस इनकेस मिरर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ यार, साफ नहीं करते तुम अपना मिरर? चलिए हम हॉस्टल से निकल चुके हैं, हमें थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। ये देखिए पीछे पीछे लूजर लोग, और हाँ देखो मैं कितने फास्ट चल रही हूँ। मैं आपको यहाँ चढ़ाई दिखाती हूँ, यहाँ पे आपकी रास्ता थोड़ा सा चढ़ाई भरा है, बिल्कुल मिनी चढ़ाई भरा। और वो है HQ की लाइब्रेरी जो कभी भी नीचे खिसक सकती है, टू बी ऑनेस्ट। ये देखिए जबरदस्ती आना चाह रही है साक्षी, हमें दिखाओ। चलो कोई तो है जो इतनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतनी एक्साइटमेंट के साथ आना चाह रहे हो अपने ब्लॉग में। वी आर हियर विद अवर छोटा सा स्ट्रगल। अभी हम चौक पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं टैक्सी का। टैक्सी आएगी देन हम यहाँ से निकल रहे हैं डायरेक्ट मॉल। वेट कर रहे हैं हम, तीन ही बैठे हैं, पता नहीं कभी फुल होगी कब चलेगी हमारा इतना इंतजार। कुछ कहना चाहोगे आप? सिर्फ हम वेट कर रहे हैं लोगों का कब ये टैक्सी भरे और कब जाना पड़े। साक्षी जी आप कुछ कहना चाहोगे? ये क्या था साक्षी? तो हम मॉल पहुंच चुके हैं। पता नहीं क्या कर रहा था यार वो टैक्सी वाला, उसने काफी टाइम लगा लिया, हम ऐसे देख रहे थे कब चलेगा भाई। तो अभी हम सबसे पहले कहाँ जाने वाले साक्षी? पता नहीं खाने, ये इतनी भुखड़ है ना यार, पता नहीं कहाँ जाता है इसके खाया भी, मेरे को तो ये नहीं समझ आता। मीनाक्षी हम कहाँ जाने वाले हैं? साक्षी मीनाक्षी, अभी तो हम यही मॉल रोड की गलियों में घूम रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा घूमेंगे और मीनाक्षी जी को घुमाएंगे। आप मतलब नेहा यार, नेहा को सॉरी यार, हाउ गुड आई, इन्होंने मेरा अलग नामकरण कर दिया। अरे मुझे आपको इनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि इनका नाम मीनाक्षी होना चाहिए, मीनाक्षी है, बट मुझे मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो जाता है ये नेहा है। पता नहीं क्यों मैंने ऐसी परसेप्शन बनाई है कि हाँ ये है, सॉरी ये मीनाक्षी है, मीनाक्षी। अभी हम लोग थोड़ा बाद नीचे मॉल रोड पे घूम रहे थे एंड नाउ वी आर गोइंग जाखू टेम्पल विद माय स्वीट हॉस्टलर्स। वैसे तो मैं ऑलरेडी गई हूँ जाखू, मतलब चार पांच बार, और दो तीन बार या चार पांच बार ऑलमोस्ट, बट आज मैं जाने वाली हूँ अपनी प्यारे प्यारे नए दोस्तों के साथ। जी हाँ, नहीं साक्षी, साक्षी तो पुरानी है ना, फिर आप भी इसके साथ हो गए हो नए दोस्त, हॉस्टल वाले दोस्त, पड़ी हुई थी मेरे साथ भी हॉस्टलर, पता लगा दोस्त है। हमारा सफर शुरू हो चुका है और मैं अभी बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, बोला भी नहीं जा रहा। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और पानी पियेंगे फिर चलेंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल बाहर और हमें कोई टायर्डनेस नहीं हुई, बस साक्षी से चला नहीं जा रहा था, इसे बड़ी मुश्किल से चला के लाया हम लोग यहाँ से। तो मेन गेट पे हम पहुँच चुके हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इनकी फोटो शूट यहीं पे शुरू हो रही है भाई। ये देखो कट्टर हनुमान जी के भक्त हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। साक्षी पता है सबको, आपको हनुमान चालीसा आती है, सबको पता लग चुका है। ये हम पहुंच चुके हैं जाखू टेम्पल एंड ये देखिए ये लोग मग्न हो चुके हैं यहाँ पे। अरे
ओ गॉड, इतनी बड़ी लाइन लगी आज यहाँ पे, इतना ज्यादा क्राउड और ये लोग पता नहीं कहाँ भागे जा रहे हैं। आगे यहाँ हूँ मैं, अभी हम लोग भी लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पे काफी लंबी लाइन लगी है, मैं आपको वो पूरी लंबी लाइन दिखाती हूँ हम कितना पीछे खड़े हैं। की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, वहाँ 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 इतनी बड़ी लाइन लगी है, पता नहीं हमारी टर्न कब आने वाली है। आज हम लोग हनुमान जी के दर्शन करके आ चुके हैं, बड़ी मुश्किल से लाइन खत्म हुई, फिर जाके हमारी टर्न आई एंड अभी हम खड़े हैं एक और लाइन में। आपको पता ही चल गया होगा कि हम कौन सी लाइन में खड़े हैं। ये देखिए क्राउड, अभी हम भंडारे वाली लाइन में खड़े हैं, हमें मतलब संडे को भंडारा होता है तो हम कुछ भी खा के जाने वाले हैं आज। ये साक्षी का आइडिया था ना, साक्षी इसे पता था आज भंडारा होता है इसलिए बताया मैंने। शी इज काइंड ऑफ बुकड, और साक्षी यही पूछी थी कब से हम जा रहे हैं ना पक्का है, लाइक यार बहुत क्राउड होता है फिर भी हम यहाँ खड़े हैं ये सारे क्राउड के साथ काफी पीछे। ये देख सकते हो आप क्राउड, और हम भी इसी का हिस्सा है। ये देखिए साक्षी हिस्से को, यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे और थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करेंगे। ये लोग तो अभी शुरू हो गया, इनका खत्म ही नहीं हो रहा है, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पर। और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम फटाफट दोबारा मॉल। मेरे मुंह के सामने बैठ बैठ के मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या कर रहे हो साक्षी आप? छपरी ब्लॉगर अगर हमारे साथ आप मुझे छपरी बोल रहे हो, हाउ कुड यू। अभी देखना इनकी वीडियोग्राफी चली हुई है इधर, तो इनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेशन हो चुका है खत्म एंड वी आर गोइंग बैक। साक्षी कह रही थी कि मुझे जूम करके अपने ब्लॉग में लिया जाए। साक्षी भी मेरे साथ साथ पॉपुलर होना चाहती है ना साक्षी, यही वर्डिंग थी ना आपकी? नहीं, मन में दीदी ये बोल रही है, भाई पहले खुद तो पॉपुलर हो जा फिर मुझे करियो। साक्षी समझ गई, समझदार हूँ मैं बचपन से। अब गाइस इनकी, ओह माय गॉड, अभी हम वापस जा रहे हैं फटाफट से यहाँ से, अब डायरेक्ट मॉल पे रुकेंगे भागे भागे, और ये मेरा साथ नहीं दे रहे बिल्कुल, पता नहीं कहाँ पीछे छूटते जा रहे हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं दोबारा से मॉल रोड, अभी हमें साक्षी मिली थी मतलब मेरी बहन वाली साक्षी, और वो ब्लॉग में आना नहीं चाह रही थी फिर मैंने उसे जबरदस्ती लिए नहीं तो क्या मैम आप ये, और मेरी यादों में कमजोर हो चुकी है थोड़ी सी। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं साक्षी अगेन? लोअर मार्केट, हम तपती धूप के साथ एंटर करने वाले लोअर बाजार में क्राउड के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ आज वहाँ पे कितना ज्यादा क्राउड है। साक्षी की शॉपिंग शुरू हो गई है ये रिंग्स के साथ, ये देखिए क्राउड बहुत ज्यादा है आज यार। यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं ओल्ड बस स्टॉप, और रास्ते में इनको कोई सुकून नहीं मिल रहा है, मोमोज खा रहे हैं। यहाँ पे दीदी के फेमस मोमोज खा रहे हैं, दिखाओ। हाँ यहाँ पे बहुत टेस्टी यम्मी स्पाइसी मोमोज मिलते हैं, बट मैं नहीं खाने वाली हूँ आज क्योंकि मेरा गला खराब है और मैं बीमार हूँ। वैसे आपको दिख ही रहा होगा मेरी आवाज़ में झलक रही होगी मेरी बीमारी, तो मैं खानी नहीं होगी। लोग ये देखिए दीदी पहले पोस्ट करना ज़रूरी है। सारे सफर के बाद हम आ चुके हैं ओल्ड बस स्टॉप, यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट समर हिल, और हमें बस भी इजीली मिल चुकी है। ये देखिए ये विंडो सीट पे बैठ भी चुके हैं अभी शर्मों की तरह, और हम तीनों को यहाँ मतलब विंडो सीट पे बैठना था तीनों को, इसलिए हम ऐसे अलग अलग बैठे आगे पीछे पीछे, मतलब मुझे हंसी आ रही है यार लिटरली। गाइस हम आ चुके हैं वापसी हॉस्टल के रास्ते में, मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे थके हारे पता नहीं कैसे कैसे, और मुझसे बोला भी जा रहा है मतलब मुझे ऐसा कोल्ड हुआ है नेक्स्ट लेवल वाला, भी मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ तभी मैं ऐसे फैली हुई यहाँ पे। और अभी हम वापस जाने वाले हैं हॉस्टल, अभी साक्षी आ नहीं रही है ब्लॉग में, पूछो क्यों? साक्षी कह रही कि मतलब नहीं कुछ नहीं, चलो चलो गाइस। तो गाइस मैं बता ही देती हूँ साक्षी क्यों नहीं आ रही, अभी साक्षी बोल रही है कि मेरा मेकअप उतर चुका है मुझे नहीं आना है, अभी शाम ढलते ढलते मैं भी ढल चुकी हूँ इसलिए साक्षी छुप रही है, दिख रहा है आपको? मैंने रिपोर्ट कर दूंगी इसकी ब्लॉग में, ऐसे क्यों रही साक्षी आप? छपरी ब्लॉगर एक नंबर की, इसको मैं बताती हूँ, रुक जाओ इसको, ये इसका चैनल बंद करवा दूंगी, कट कर देंगे, टाटा बाय बाय खत्म, दोस्ती खत्म साक्षी के चैनल में, ऐसे ये दिल पे लगा।
हम वापस अपनी हॉस्टल की ओर लौटते हुए और वहां गए थे हम यार, जाखो इतना दूर है, वहां गए थे हम मूवी ऑन फुट। अभी हम यहाँ पहुंच रहे हैं वापस अपने हॉस्टल। तो नोटिस इनकी तुमने सेम सेम पहना है, वाइट वाइट मैचिंग मैचिंग सेम पिंच बोलो एक दूसरे को। वी आर बैक और अभी तो हम ऐसे डल हो चुके हैं, मतलब उखड़े उखड़े से हो चुके हैं सच में। मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा है यार, मैं इतनी बीमार होने वाली हूँ ऐसे लग रहा है। ये मीनाक्षी का नेहा का सफर जहाँ से शुरू हुआ था वही खत्म हो रहा है। हाँ इसका तो मैंने नाम कर ही कर दिया यार। आज के लिए बस हमारा सफर हम भी खत्म हो गया। ओके यार बहुत ज्यादा थक चुके हैं, चला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या ही हो रहा है। बाय बाय गाइस, अब हम जा रहे हैं अपने अपने रूम जाकर मस्त सो जाएंगे। बाय, पड़ जाएंगे डिनर पे। बाय।